सो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी शैलेश भैया और मैं पहुंच चुके हैं रास्ते में ऋषिकेश के। सॉरी, मैं रूम से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज सुबह हमें जल्दी निकलना था और मैं जल्दी जल्दी गया शैलेश भैया के घर और शैलेश भैया को उठा के फिर हम सीधे आए हैं अभी इधर। और अभी इधर पर थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट के लिए पर गाड़ी रोकी। सो अभी चलते हैं सीधा ऋषिकेश और आपको दिखाते हैं हमारी शूट लोकेशन, हमारा शूट। तो बने रहिए एंड देखते रहिए व्लॉग को। सो उससे पहले मिलाते हैं आपको आज के हमारे राइडर से, मिस्टर शैलेश भैया। पूरा हेलमेट वगैरह पहन के ये पैक हो रखे हैं। तो अभी चलते हैं सीधा ऋषिकेश और मिलते हैं सीधा वहाँ। यार चाय वाय नहीं पिया, चाय वाय पी क्या? सीट चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने शूट लोकेशन पे जहाँ पर हम शूट करने वाले थे एक्चुअली आज। तो अभी हम ना चाय वाय नहीं पी हमने बिकॉज वैसे ही लेट हो रहा था। तो अभी हम पहुँचे हैं, अभी बस हमने सेटअप करा कैमरे का। एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है आधीरोहा। आधीरोहा इज बेसिकली ये योगा सेंटर जहाँ पर ये आपको योगा सिखाते हैं। आपको योगा सीखना हो या फिर आपके किसी भी साथी को योगा सीखना हो तो प्लीज़ इधर आएंगे और इधर पर योगा आप सीख सकते हैं। तो ये पीछे इनकी बिल्डिंग और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का व्यू दिखाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में। सो अल्टीमेट व्यू एंड अल्टीमेट फील है इधर का, आप नेचर के इतने करीब हो सकते हैं एंड यहाँ पर योगा सीख सकते हैं। Many hours later. अभी हमने शूट खत्म करा और बहुत ही प्यारा शूट हो रखा है और क्या बढ़िया बढ़िया फोटोज लिए हमने मिलके। तो शैलेश भैया तो अब थक गए तो अभी चल रहे हैं हम ब्रेकफास्ट की तरफ। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर में रैप अप करके बातचीत करके उसके बाद निकलते हैं वापस देहरादून। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड अभी थोड़ी देर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा ऊपर, तो उधर पर अभी शूट करना है हमें। तो उधर का शूट करके फिर उसके बाद निकलते हैं। अभी वैसे पता नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे बिकॉज अभी शाम को कीर्तन का भी प्लान हो रहा है। तो अभी जब पता चलेगा कि कीर्तन होगा तो हमको रुकना पड़ेगा बिकॉज वो भी शूट करना है, वो भी हमें कवर करना है, वरना फिर हम चलेंगे वापस देहरादून। सो आज ना मेरा बड़ा मन था ये शर्ट पहनने का बिकॉज ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिकॉज मुझे शर्ट्स पसंद है बट मैं वैसे पहनता नहीं यूजुअली शर्ट गर्मी में, बट आज मेरा मन था कि आज मैं इसको पहन के जाऊँ। तो आज मैं इसको पहन के आ रहा हूँ मतलब शूट के लिए। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी धूप दिन में है तो ऋषिकेश में मतलब हद से ज़्यादा गर्म होता है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि लोकेशन कैसी है। तो आप सुन सकते होंगे मेरे पीछे जो है अभी पानी की साउंड आ रही है, तो मतलब तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील होगा आपको एंड आप यहाँ पर योगा सीख सकते हैं। तो आइए, अगर किसी को भी योगा सीखना हो तो प्लीज़ इधर पर आके आप सीख सकते हैं। एंड अभी पीछे शूट चल रहा है, अभी शैलेश भैया कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर मैं भी जाऊँगा शूट करने। तो जिनकी प्रॉपर्टी है ना उन्होंने हमें अभी बताया कि लाइक यहाँ पर अभी स्पेन से, बर्लिन से भी और काफ़ी बाहर से भी लोग आ रखे हैं, तो ये जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर बाहर से लोग हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए इधर तक आ रहे हैं और इधर का मतलब इधर की स्पिरिचुअल, इधर की जो चीज़ें हैं उनको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सो गाइस अभी हो चुका है शूट खत्म हमारा, इतनी खुशी, और अभी हम जा रहे हैं वापस ये सामान वामान सब लेके कैमरे एंड गिम्बल का। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा बाहर, थोड़ा मस्त थोड़ा ठंडा वंडा पीते हैं कहीं कैफे पे बैठते हैं बढ़िया, और फिर उसके बाद देखते हैं। अभी दिन में 11 बजे कंफर्मेशन होगा कि शाम को कीर्तन का शूट है या नहीं। तो एक्चुअली ये लोग कीर्तन करवा रहे हैं तो उसका कन्फर्मेशन मिलेगा शाम तक। तो जैसे ही वो पता चलता है तो तब हम आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वापस हम देहरादून चले जाएंगे। तो अभी चलते हैं सीधा और फिर कैफे में बैठते हैं। तो अभी शूट ख़त्म करके हम लोग आए थे यहाँ डिवाइन कैफे तपोवन पे। तो इधर पर हमारा प्लान था कि हम कॉफ़ी पीएंगे, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, तो फिर अभी शायद हम गलत टाइम पे आ गए तो अभी कॉफ़ी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारा पोपट हो गया। तो अभी शैलेश भैया कुछ मीठे खाने के लिए ला रहे हैं क्योंकि देखते हैं क्या मिलता है। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि क्या पिए। तो गाइस मैंने तो मंगाया था एप्पल फ्लेवर, तो मेरा तो काफ़ी टेस्टी हो रहा है, चैलेंज वाले उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। रेड ग्रेप, तो अभी मैं करने वाला हूँ इनका टेस्ट, इनका रेड ग्रेप। मैंने तो रेड ग्रेप आज तक नहीं देखा, पता नहीं कौन सा रेड ग्रेप, बट इनका टेस्ट है, बट देखते हैं।
सो गाइस ड्रिंक तो हम पी रहे थे बट अभी शैलेश भैया ने कुछ और खाने के लिए भी मंगा रखा है, तो ये हमारे वैनिला मफिन, तो ये खाते हैं। खाने के लिए हम और भी कुछ मंगाने वाले थे पर अभी ना कुछ भी किचन ओपन नहीं है, तो कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ कुछ खाने में मजा नहीं आएगा, तो हमने एक ये मफिन मंगाया। तो ये गाइस डिवाइन की प्रॉपर्टी, तो एक्चुअली हम कैफे में बैठे हैं और ये अपने शैलेश भैया जो कि मफिन का मजा उड़ाते हुए, तो अभी मैं भी अभी का मफिन का लुत्फ उठाऊंगा। तो अभी ये अभी देखो खाली है, अभी कुछ भी खुला नहीं है इधर, बना किचन खुला है ना कुछ। तो गाइस एक चीज़ तो अच्छी हुई कि मफिन जो है वो बहुत अच्छे आ रखे हैं, मफिन बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत फ्लफी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखे हैं। शैलेश भैया के साथ एक चीज़ तो अच्छी हुई, चलो ड्रिंक अच्छी नहीं थी तो बट मफिन ने उसको ओवरकम कर दिया, तो ये बहुत टेस्टी हो रहा है। तो हम खा चुके हैं, इवन मैं खा ही रहा हूँ, तो इसको खा के सीधा चलेंगे शिवम के घर। और बाहर ना इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि इधर से निकलने का मन नहीं कर रहा है ज़रा सा भी, इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे भैया। तो ऐसा ही होता है गाइस, धूप हो रही है अब तो गाड़ी में चलाऊंगा, आगे लू मेरे को लगेगी और ये पीछे आराम से बैठे रहेंगे मजे से। अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ चल रहा है एसी और मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और मेरा मन कर रहा है कि यहीं बैठा रह जाऊँ मैं शाम तक। पर अभी हमें शिवंगे यहाँ भी जाना है और अभी वो दिन तक कन्फर्मेशन बताएंगे कि शूट का, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। अभी हम आ चुके डिवाइन से बाहर और ये रहा हेलमेट, और अभी हम उसको पहनते हैं और चलते सीधा शिवंगे घर, और सीधा मिलते हैं उधर। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं शिवम के घर के गली के बाहर, तो अभी हम ले रहे थे फल फ्रूट कुछ उसकी मम्मी के लिए और उनके बहनों के लिए, तो फिर अभी चलते हैं सीधा शिवम के घर। इसके बाद ब्लॉग नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसको भी बताना नहीं कि हम ब्लॉग कर रहे हैं, तो अभी ये है और चले गए अभी फल लेके आए। Any hours later. तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी हम पहुंच चुके हैं आधी रोहा वापस, क्योंकि शिवम के घर का तो ब्लॉग दिखा नहीं सकते थे, तो शिवम के घर से हम फटाफट निकले क्योंकि इधर पर अभी शूट भी करना है, अभी 6 बजे से करीब से स्टार्ट है, तो अभी इधर पर शूट वूट करते हैं।